आजकल के जमाने में लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझ लें तो शायद उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बार बार अपनी बातों में ये बात कहते हैं, सच कहूं तो, और ऐसी अपनी बात को वो शुरू करते हैं और ऐसी सिमिलर वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सच कहूं तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके झूठ बोलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। गाइस, क्या आप इस साइकोलॉजिकल फैक्ट से इत्तेफाक रखते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है। सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है, वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आज इंटरनेट के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो चलो आज इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। फैक्ट नंबर वन, पूरी ही दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एक ऐसा देश है जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर टू, पूरी ही दुनिया में साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जो कि सबसे महंगा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर थ्री, सबसे तेज इंटरनेट वाला देश सिंगापुर है। एंड फैक्ट नंबर फोर, 5G इंटरनेट को लॉन्च करने वाला पहला देश साउथ कोरिया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट नहीं आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पिछले 3 ओलंपिक में उसेन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें $119 मिलियन मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइज, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।